नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत खबरों की करेंगे। सबसे पहले रायपुर का जिक्र, जहां बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। सीएम और मंत्रियों की राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री के साथ एक बैठक चल रही थी, वो अब खत्म हो गई। बीजेपी के अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक अब शुरू हुई है। सीएम विष्णुदेव साय बैठक में शामिल है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। तो एक बैठक खत्म हुई, अब दूसरी बैठक चालू। बैठकों का दौर लगातार जारी। बीजेपी में सीएम और मंत्रियों की राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। अब बीजेपी के अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक शुरू हुई है, जिसमें सीएम मौजूद हैं और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। इलेक्शन मोड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में बैठकों का दौर जारी। हो सकता है कि लोकसभा क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने को लेकर बातचीत हो रही हो, लेकिन बड़ी बात है कि ना सिर्फ बड़े स्तर पर बल्कि हर निचले स्तर पर पार्टी का फोकस है। ब्लॉक्स, प्रकोष्ठ, जिला, हर स्तर पर पार्टी चाहती है कि कार्यकर्ता सजग रहें, सतर्क रहें। और इसी प्रकार से 24 के चुनावों में, जिस प्रकार आपने विधानसभा चुनाव में सक्रियता देखी है, 24 के चुनाव में भी उतने ही सक्रिय रहकर काम करें। और इसलिए हो सकता है कि बैठकें निरंतर जारी, अलग अलग वरिष्ठ नेता आपको फ्रेम में भी नजर आएंगे, क्योंकि अरुण साव की भी मौजूदगी है, किरण सिंह देव भी बैठे हुए हैं, विष्णुदेव साय तो मौजूद हैं ही। अपने स्तर पर संगठन को मजबूती देने का प्रयास हर एक व्यक्ति करता हुआ। मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक अब चल रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कुल मिलाकर चर्चा। संगठन महामंत्री के साथ जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। हो सकता है कि कई निर्देश भी सामने आए। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का ही रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, बीजेपी की यही कार्यशैली है कि विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद भी पार्टी रिलैक्स नहीं है। आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है बीजेपी में। जी बिल्कुल, देखिए बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। और इस बीच जो विकसित भारत को लेकर के किस तरह की रणनीति बनाई गई है, इसके साथ ही साथ अभी जो मोर्चा प्रकोष्ठ हैं उनके तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई। मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद, इसके बाद पदभार देने के बाद ये पहली बैठक है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से तमाम जो बड़े बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, सभी तमाम वहाँ पर मौजूद हैं, वो रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं, अभी जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण देवभंज हैं, वो बात कर रहे हैं। हम सीधे उनकी जो बातें हैं, वो तस्वीर है, वो सीधा हम दिखाना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। और ऐसा हुआ कि सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारे सभी राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन और हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से बैठ के और मन की बात का ये मोदी जी का कार्यक्रम है, उसको सुनने का एक कार्य योजना बनी। सभी लोगों ने साथ में थोड़ी सी चाय पे चर्चा, परिचय की दृष्टि से, और अनौपचारिक बैठक थी, कोई बहुत विषय विस्तार से कोई विशेष नहीं थी, लेकिन एक सामान्य चर्चा, सबकी मुलाकात, बातचीत, विभागों का आवंटन के बाद कौन किनके जिम्मे क्या है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के, वरिष्ठ मार्गदर्शकों के साथ, संगठन मंत्री, हम लोग सब बैठ के एक विषय था। दूसरा बैठक अभी जो गतिशील है, जो चल रहा है, हमारे सातों मोर्चा के संयुक्त बैठक, सभी मोर्चा को लेकर जो हमारी आगामी रणनीति, कार्यक्रम, योजनाओं का क्रियान्वयन है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, और नियमित रूप से जो कार्य योजना रहती है मोर्चों की, नीचे तक जाके हमारे मंडल स्तर तक के कार्यों को संपादित करना, बूथ कमेटी पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको लेके चुनाव की दृष्टि से मोर्चों की अब अलग अलग वर्गों, समाजों के बीच में जो कार्य योजना है, क्षेत्र है, उसके विवरण के अनुसार से बैठने का एक बैठक। मोदी जी की गारंटी जो है उसे कैसे पूरा करेंगे आप? मोदी जी की गारंटी जो है, और वास्तव में मोदी जी की गारंटी का देखिए, भारत के पूरा विकसित संकल्प भारत, विकासशील भारत का लेकर जो कल्पना उनका है उसको लेके, और पूरे क्षेत्र में
हम सब जानते हैं, आप लोगों को भी इस बात का अनुभव हो रहा होगा कि लगातार मोदी की गारंटी गाड़ी जो है वो सभी क्षेत्रों में जा रही है, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, और उसमें इस तरीके से कि कहीं आधार कार्ड बनने का विषय हो, कहीं पे आयुष्मान भारत का विषय है, कहीं प्रधानमंत्री आवास का विषय है, इन विषयों को लेकर और सब जन जन तक भी पहुंचेंगे। और स्वाभाविक रूप से जो उनकी और योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, उसको लेकर चर्चा विषय विस्तार से हमारे सभी जन भावना के अनुरूप जो उनके निर्णय हैं विकास की दृष्टि से, उनको जनता से अवगत कराने के लिए कार्य योजना कार्यकर्ताओं के माध्यम से। सर, राहुल गांधी फिर यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी फिर यात्रा निकाल रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी के यात्रा का विषय में इतना ही है कि विकास डेवलपमेंट को लेकर कोई यात्रा का विषय उनका है नहीं, और किस तरीके से गरीबों को आवास मिल सके, किस तरीके से उनकी भोजन की सुनिश्चितता हो सके, किस तरीके की उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, राजनीतिक यात्राओं को चुनाव की दृष्टि से करना एक अलग विषय है, और जनता के बीच और जनता को लाभ दिलाने की दृष्टि से यात्रा का सुनिश्चित करना एक अलग विषय है। यहां तक आवास किया जाएगा, आप लोगों ने आवास के देखिए पहले ही कैबिनेट में और आवास 18 लाख परिवारों को आवास को लेके मुख्यमंत्री जी की पहले ही कैबिनेट में ये स्वीकृत करके और ये पारित किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कहती है, हम सब ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो वहीं कांग्रेस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा, कहा विधानसभा में भी 75 पार का दावा कर रही थी, इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सीधे आपको सुनाएंगे। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार, उनके दावे आपने देखे हैं, और पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा, और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी, और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और अगली खबर सूरजपुर से, जहां सड़क हादसे में कांग्रेस पार्षद की मौत हो गई। नगर पंचायत विश्रामपुर से पार्षद गंगाराम रवि अब हमारे बीच नहीं है, अनियंत्रित होकर उनकी कार पेड़ से टकराई और उसके बाद ये गंभीर दुर्घटना। हादसे में पत्नी और बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को अंबिकापुर अस्पताल में एडमिट किया गया। जशपुर के बगीचा के पास ये हादसा हुआ, घना कोहरा था उस समय जब ये हादसा हुआ है, और बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ। कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नगर पंचायत विश्रामपुर से पार्षद गंगाराम रवि, उनका निधन हो गया है, और उनकी पत्नी और बच्चे भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, उनकी हालत नाजुक है। रायपुर से बड़ी खबर, मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ ठग बन गया एक, फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी की। 25,77,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। 2 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया गया। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगा है। टिकरापारा पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया आरोपियों को, मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इससे पहले ये जानकारी आपको ये भी देखिए, मर्चेंट नेवी में ये व्यक्ति काम कर रहा था, लेकिन नौकरी छोड़कर ठगी करना बेहतर समझता है। दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में, मुख्य आरोपी जो मुख्य व्यक्ति है इस पूरी वारदात के पीछे, उसे पकड़ना भी बाकी। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। 25,77,000 रुपए ठगे गए। और अब जिक्र करेंगे भिलाई का, जहां सुबह से ही बुलडोजर एक्शन चल रहा है। सुपेला संडे बाजार पहुंची है निगम की टीम, और उसके बाद कार्रवाई को लेकर जो पहल है वो शुरू की गई। नगर निगम की टीम ने कई अतिक्रमण तोड़े हैं। निगम के अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे, निर्धारित मार्किंग के भीतर व्यवसाय किया जा रहा है। 2 दिन पहले से ही टीम ने यहाँ पर मार्किंग कर रखी थी, इसके बावजूद
जो व्यापारी हैं वो अपने सामान को हटा नहीं रहे थे, इसी के चलते नगर निगम के दस्ते को मजबूर होना पड़ा यहाँ पर अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, कार्रवाई हुई है। विधायक रिकेश सेन जिन्होंने फौरन ये चेतावनी भी दी कि अभी भी अगर हालात काबू में आ पाए तो कार्रवाई को टाला जाएगा, अगर व्यापारी अभी भी समझ जाते हैं तो काम कर सकते हैं उनके हित में, लेकिन इसके बावजूद मनमानी पर अड़े रहे और उसके बाद ही कार्रवाई। में आज नगर निगम का बुलडोजर चला है, कई दुकानदार जो है अतिक्रमण कर लिए थे जिनको आज ध्वस्त किया गया है। आपको दिखाना चाहूँगा कि दुकानों के सामने जितने जिनका भी अतिक्रमण था, आज निगम के बुलडोजर ने यहाँ पहुंचकर उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की है, क्योंकि लगातार ये शिकायतें प्राप्त होती थी कि यहाँ पर जो संडे मार्केट लगता है, जहाँ पर अतिक्रमण की वजह से लोग जो है वो सड़क पर उतर आते थे और सड़क पर उतर आने के बाद में वे व्यवसाय किया करते थे। इस वजह से जो ये सबसे प्रमुख सड़क कहलाती है, ये वैशाली नगर की सड़क कहलाती है, वैशाली नगर को जोड़ने वाली ये सड़क कहलाती है, जो पूरी तरह से व्यापारियों के व्यवसाय के कारण यहाँ पर यातायात अवरुद्ध हो जाता था। इस वजह से इसकी कई बार शिकायतें की गई थी लेकिन कोई हल नहीं निकला था। आज वैशाली नगर के विधायक जो रिकेश सेन हैं, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया था, इन्होंने चेतावनी दी थी कि अब यदि कोई सड़क पर व्यवसाय करेगा तो उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों को भी ये हिदायत दी गई थी कि वे सड़क पर यदि कोई भी अतिक्रमण किए तो उसको हटा लें, और इस चेतावनी के बाद में आज संडे जब है तब ये कार्रवाई की गई है। निगम को बुलडोजर चला है। आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी व्यस्ततम ये जो कहलाता है, ये सड़क भी कहलाती है, ये संडे मार्केट भी कहलाता है, जहाँ हर सप्ताह जो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी खरीदारी के लिए पहुँचते हैं, लेकिन खरीदारी के साथ साथ में जब यहाँ पर सड़क की बात होती थी तो अक्सर ये यहाँ पर जाम की स्थिति बने रहती थी। लेकिन आज निगम का बुलडोजर चला है और ये स्पष्ट हो चुका है कि अब जो है निगम प्रशासन किसी भी तरह से अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर संडे मार्केट जो है उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है, इससे निश्चित रूप से आम लोगों ने राहत की सांस ली है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। उधर गरियाबंद में आपका विभाग की टीम ने छापा मारा है, शराब दुकान में दबिश थी। तो ओवररेट शराब बेचते सेल्समैन को पकड़ा गया, अधिकारी ग्राहक बनकर पहुंचे थे। उसके बाद शराब जब मांगी गई तो लाखों की कीमतों में बिकने वाली शराब को लेकर भी खुलासा हुआ कि बहुत लंबे समय से ये जो ओवररेटेड शराब है यहाँ पर बेची जा रही थी। गड़बड़ी की आशंका लाखों रुपए को लेकर अभनपुर और नयापारा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया अधिकारियों ने। हो सकता है कि पहले शिकायतें मिल रही और उसलिए त्वरित कार्रवाई के लिए अफसर पहुंचे, लेकिन ग्राहक बनकर पहुंचे तो उस पूरे खेल का खुलासा हुआ और अब जानकारी जुटाई जा रही है, गहन जांच इस पूरे मामले में जारी। और अब जिक्र करेंगे दुर्ग जिले का, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। 30 लीटर प्रतिबंधित महुआ शराब को जब्त किया गया। ग्राम घोरारी में बनाई जा रही थी ये शराब, सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। रानीतरई पुलिस ने यह कार्रवाई की, 30 लीटर प्रतिबंधित महुआ शराब को जब्त किया। नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। रानीतरई पुलिस ने कार्रवाई की, 30 लीटर प्रतिबंधित महुआ शराब को जब्त किया। ग्राम घोरारी में ये शराब बनाई जा रही थी। जशपुर से बड़ी खबर, जहां तपकरा वन परिक्षेत्र में घूम रहा है हाथियों का दल। 36 हाथी ओडिशा झारखंड से जशपुर पहुंचे। लगातार हाथियों के हमले से डर बना हुआ है, क्योंकि घरों को क्षतिग्रस्त करते हैं हाथी, हमले की आशंका हर बारी होती है। हाथी के दो अलग अलग दल घूम रहे हैं, एक दल में 10 हाथी हैं, दूसरे में 26 हैं। 6 गांव को अलर्ट कर दिया गया है, मुनादी कराई गई है वन विभाग की तरफ से। अलर्ट रहने के लिए इसलिए भी कहा गया क्योंकि अक्सर जब हाथी रहवासी क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो घरों को सबसे पहले नुकसान, उसके बाद हमला भी करते हैं। और छत्तीसगढ़ में बिना फिटनेस के कंडे बसे यात्री से लेकर सड़कों तक फराटे भरती हुई दौड़ लगाती हुई नजर आती है। और जगदलपुर से रोजाना पड़ोसी राज्यों की ओर 35 से 50 बसें ऐसी चलाई जाती हैं जो कि फिटनेस मानकों में खरी नहीं उतरी हैं। संभाग भर में 200 से अधिक बसों का संचालन किया जाता है। बस्तर पुलिस ने सभी बस मालिकों को 1 जनवरी तक का ही समय दिया है। सभी अपने अपने बसों में
फायर बॉक्स समेत सभी संशोधन को व्यवस्थित कर लें, नहीं तो बसों का परमिट कैंसिल भी किया जा सकता है। चल रही है वो बसों में क्या सुविधा होनी चाहिए, अगर आगजनी की घटना होती है तो उसमें उस तत्काल ही उस पर काबू पाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। मैं मौजूद हूँ, अभी ये राजधानी जाने वाली बस है, इस आइए बात करते हैं यात्रियों से और बस ड्राइवर से। जी भैया, क्या नाम है आपका? देवा। कहाँ ले जाते बस? रायपुर। रायपुर भैया, बीच में अगर कुछ घटना हुई थी, बस में आग लग गई थी, तो अगर आग लगती कारण क्या मानते हैं? सेंसर वाली गाड़ियां हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसके कारण। इसमें इतने सारे सेंसर दे दिए हैं, अभी उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसके कारण लग जाता है। अचानक आग लगने से क्या सुविधा क्या करते हैं आप लोग? फायर एक्सटिंग्विशर, और सबसे पहले बैटरी कनेक्शन ऑफ कर दो। सबसे बेटर फर्स्ट ऑप्शन वही है, बैटरी कनेक्शन सबसे पहले निकालो। और यात्री को सुरक्षा को बाहर निकालो। एग्जिट है इमरजेंसी एग्जिट, चार चार ठो, एक पीछे, दोनों साइड में, इधर सामने। अच्छा, जो घटना हुई थी बीच में कारण क्या मानते हैं? हमको नहीं पता, अभी उसका क्या बताएंगे, वो दूसरी बस, हमारी बस दूसरी। तो हाई स्पीड भी कारण मानते हैं? नहीं, हाई स्पीड कारण नहीं है, नहीं है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, टेक्निकल ही प्रॉब्लम ही कारण आग लगी। चलिए आइए बात करते हैं, कुछ यात्री भी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि ये जो यात्रा कर रहे हैं इनकी सुरक्षा पे कितना वो अपने आप को मानते हैं कि जो यात्रा हो रही है उसको लेकर। जी बेटा, क्या नाम है आपका? निमानशी। कहाँ जा रहे हैं आप? कोंडागांव। कोंडागांव बेटा, बीच में हादसा सुने थे, बस में आग लग गई थी, कभी लगता है ऐसा डर भय लगता है कि जो बस में जा रहे हैं वो सुविधा होती है? हाँ, सुविधा रहती है। जी 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 भैया, क्या नाम है आपका? यशवंत चक्रवर्ती। कहाँ जा रहे हैं? कांकेर। कांकेर, बीच में घटना हुई थी, बस में आग लगी थी, जानकारी है? हाँ है। ऐसा होने से क्या होना चाहिए, नियम क्या बोलता है, बस में चीज़ें सामान होना चाहिए? बस मतलब उस सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रखते हैं बस में। क्या क्या होना चाहिए? सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, जैसे फायर बॉक्स वगैरह, और इन लोग जैसे टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए ना भारी स्पीड भी चलाते हैं, वो सब को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, यात्रियों का कहना है कि जो हाई स्पीड जो बसें चलती है उस पर रोक लगाए, ताकि जो घटना हो रही है आगजनी घटना उस पर अंकुश लग सके। अभी जो बस संचालक है उनका भी ये कहना है कि जितनी बसें चल रही है सभी प्रकार के फिट है, अनफिट बसों को चलाया नहीं जा रहा है, और जो बस फिट है उन्हीं को ही रायपुर सहित अन्य जो प्रदेश में दौड़ाया जा रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। उधर बिलासपुर में गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार और रिहायशी इलाकों में बने गैस गोदाम लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मेटल स्टोर्स किराना दुकान में गैस रिफिलिंग कर ब्लैक में बेखौफ सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, हमारे संवाददाता ने इसका जायजा भी लिया है, देखिए। बिलासपुर में भी अवैध रिफिलिंग का काम जोरों पर चल रहा है, इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रिहायशी इलाकों में इस तरीके से गोडाउन जो है वो गैस एजेंसियों ने बना दिया है, जिसका कहीं ना कहीं खतरा जो है वो यहाँ पर मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बीच कॉलोनी के यहाँ पर जो है गोडाउन बनाया गया, और इसके साथ ही देख सकते हैं कि आसपास में पूरी रायसी कॉलोनी है, और हॉस्पिटल भी, बच्चों का हॉस्पिटल भी यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक जो डर बना रहता है यहाँ के लोगों में वो इस बात को लेके कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जिस तरीके से बीते दिनों खंडवा में एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट के मामले सामने आए थे, जिसने पूरे एमपी समेत पूरे देश को दहला दिया था, उसी तरीके से कोई अनहोनी बिलासपुर में ना हो इसके लिए क्या कुछ प्रशासन कर रहा है, इसकी रियलिटी चेक करने आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो नज़ारा देखकर यही लग रहा है कि ना तो यहाँ पर अब तक प्रशासन पहुँचा है और ना ही कोई यहाँ से इस गोडाउन को हटाने की कार्रवाई की गई है, जिसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पर आसपास में रहने वाले लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कितना बड़ा खतरा मानते हैं रायसी इलाकों में ये जो एजेंसियाँ हैं उसकी वजह से? ये राज्य का बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो हमारे बिलासपुर शहर आता है, इसमें एक रिहायशी इलाका पड़ता है अपना कहा जाए अपना मगरपारा रोड में, वहाँ पर एक एजेंसी है गैस की जो बहुत ही ख़तरनाक जगह पे है, एक बच्चों की हॉस्पिटल है, रिहायशी इलाका है, और अभी जैसा आप लोगों ने देखा कि एमपी में भी खंडवा में जो एक के बाद एक गैस सिलेंडर की हादसा हुआ है, बहुत ही ख़तरनाक स्थिति थी, हालांकि हादसा में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि ये एक मानव जीवन के से जुड़ा हुआ हिस्सा है, इससे लोग इस एजेंसी को कहीं सुरक्षित जगह पे ले जाएं
ऐसी व्यवस्था बनाए प्रशासन, ऐसा अपना अनुमान है और सभी से निवेदन है। बिल्कुल, हाँ हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं एजेंसी के बगल में? 8-10 साल हो चुके हैं। ये एक खतरा बना रहता है गैस एजेंसी बगल में है? नहीं, डर नहीं लगता डर? अब सर अब अच्छे से बैठे हैं तो अभी आज तक तो डर कुछ भी नहीं हुआ है। एक घटना हुई है खंडवा में, एक के बाद एक गैस एजेंसियों में ब्लास्ट हुआ है, तो क्या लगता है कि जो एजेंसियां हैं 20 सड़क शहर में उसको दूर बनना चाहिए? अब चाहिए सर, अब क्या बताएं, आप तो रह रहे हैं इतना सालों से तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। निश्चित रूप से कुछ नहीं हुआ। देखिए ये जो अभी भी है गैस जो है वो 20 रिहायशी इलाकों से होता हुआ यहाँ पर डंप होता है, और ये डंप जो हो रहा है वो इस गोडाउन में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो खतरा है वो यहाँ के आसपास के लोगों के लिए बनी हुई है, क्योंकि अनहोनी कभी किसी को बता के नहीं आती, घटना कभी किसी को बता के नहीं आती, लिहाजा शासन प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो इस तरीके के जो 20 सड़क में 20 शहर में जो गोडाउन बनाए गए हैं उनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करें ताकि किसी तरीके की अनहोनी ना हो। आप लोग यहाँ पर कितने सालों से है ये गैस एजेंसी? मैं तो अभी 3-4 सालों से हूँ भैया यहाँ। तो यहाँ 3-4 साल से लगातार आ रहे हो? तो ये शिफ्ट नहीं कर रहे क्या यहाँ से? मेरे को कोई जानकारी नहीं भैया इस चीज़ का। जी चलिए, कोई जानकारी नहीं है यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शहर में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर रिफिलिंग का काम भी किया जाता है। अगर हम बात करें तो पुराना बस स्टैंड यहाँ पर एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर गैस मुहैया कराई जाती है, जो 5 किलो के गैस होते हैं उसमें रिफिलिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, इसको लेकर जिला प्रशासन ना तो सख्त दिखाई दे रहा है और ना कोई कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ी अनहोनी जो है वो कभी भी घट सकती है। न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य, बिलासपुर। टॉप 20 पर